नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी बनना चाहते हैं तो वो कैसे बने, क्या तरीका होता है कि आप केंद्र सरकार में एक कर्मचारी के रूप में काम कर सकते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं अपनी कंप्लीट और किसी नौकरी की तलाश में है, अच्छी सी नौकरी की तलाश में है कि अच्छा कहाँ पे काम मिलता है, अच्छे से अच्छे कहाँ पे हम काम कर सकते हैं अपने जीवन में, तो वो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसको बोलते हैं SSC कर्मचारी चयन आयोग, जो कि केंद्र सरकार के लिए कर्मचारियों का चयन करती है। अब केंद्र सरकार में तो जैसे रेलवे आता है तो रेलवे अपने कर्मचारी चयन कर अपना अलग बोर्ड है उसका चयन बोर्ड, और बैंक अलग है, और अपने जो डाकखाना है वो अलग से भर्ती निकालते हैं। पर और जो डिपार्टमेंट है जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं केंद्र सरकार की, वो कौन निकालता है, तो वो ये SSC के थ्रू निकालते हैं। तो SSC में एक एग्जाम होता है CGL, जिसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और आपको उस नौकरी को पाने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, कैसी तैयारी करनी होगी, और उस नौकरी जो अगर एग्जाम आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कौन कौन से पद मिलेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट में मिलेंगे, उनका क्या काम होता है, तो ये सभी सवालों के जवाब अपने इस वीडियो में हम आपको देंगे, ताकि आप अपने लिए अच्छे से अच्छे करियर का चुनाव कर सकें और अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकें। द्वारा किसी भी एक बार पा लेने के बाद द्वारा किसी नौकरी के लिए फिर से आपको भटकना ना पड़े। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम बताते हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता क्या है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले अप्लाई जो कर सकते हैं वो उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन, उनको कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। दूसरा, अगर आप एज लिमिट में 20 से 30 के बीच हैं तो ही इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 समझो आप। कुछ पद में 20 से 30 मांगते हैं, कुछ में 18 से 27 मांगते हैं, और कुछ में 20 से 32 भी होता है, वो हम बाद में उस जो पदों के वीडियो बना पद के वीडियो अलग बनाएंगे उसमें हम आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी देंगे। तो ये तो एज लिमिट थी, आप 30 तक मान के चलें कि 20 से 30 के बीच में एज लिमिट आपकी होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है और कितने एग्जाम होते हैं इसमें, 1, 2, 3 जो भी पूरे एग्जाम होते हैं, तो इसमें और उसके बाद आपको पोस्ट क्या मिलती है, तो इसके विषय में हम डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम आपको बताते हैं एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम दो भाग में होता है, पहला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं टायर 1। टायर 1 एग्जाम एक सभी के लिए कॉमन एग्जाम होता है। इसमें आपके 4 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग होता है रीजनिंग, मैथ, जनरल स्टडी और इंग्लिश। ये चारों के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं। आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 200 मार्क्स का एक पेपर आएगा, आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तभी आप टायर 2 एग्जाम दे सकते हैं। अब टायर 2 एग्जाम में क्या होता है, इसमें टायर 2 एग्जाम में आपको जो पेपर 1 और 2, 3 3 पेपर होते हैं, तो ये किन किन के लिए होते हैं, तो पेपर जो 1 है टायर 2 का वो सभी को देना है, सभी लोगों को लिए कंपलसरी। इसमें आता क्या है, इसमें 2 सेशन होते हैं पेपर 1 के, सेशन 2, उसमें भी सेशन 1 में सेक्शन होते हैं 3। पहले सेक्शन में मॉड्यूल 1 में जो है आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा यानी 180 नंबर के। दूसरा जो आता है आपका वो होता है जनरल स्टडी और इंग्लिश। जनरल स्टडी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको तैयार करना है। और तीसरा जो सेक्शन है उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर के यानी 60 नंबर के। तो ये पेपर 1 है, ये सबके लिए कंपलसरी है। इसके बाद इसमें दूसरा जो सेशन है उसमें एक मॉड्यूल आता है, उसको बोलते हैं हम डाटा एंट्री टेस्ट।
अब डाटा एंट्री टेस्ट क्या होता है, टाइपिंग, टाइपिंग टेस्ट देना होता है आपको, सभी के लिए कंपलसरी है, पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये डिसाइड करता है आयोग कि कितनी उसको क्वालिफाइंग चाहिए, कि कितना आपसे डाटा एंट्री चाहिए उसको, पास सिर्फ पास होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि नंबर्स जुड़ेंगे कि नहीं उसकी मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं, सभी के लिए क्वालिफाइंग। अगर आपने 100 में से 50% भी कर लिया तो ऐसा वो डिसाइड करते हैं, तो आपको वो देना है बस। अगर आप ये दे लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन किसके लिए होता है, दूसरा क्वेश्चन जिन्होंने स्पेशल इन पदों के साथ साथ अगर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर मांगा है तो उनके लिए होता है। और तीसरा क्वेश्चन पेपर उनके लिए होता है जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दो पद अगर मांगे हैं तो वो तीसरा पेपर उनको देना होता है। तो पहला और तीसरा, और जिसने जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर मांगा है उसको पहला और दूसरा क्वेश्चन पेपर ये एडिशनल देना होगा। तो ये अगर आप ये पास कर लेते हैं, वो ये दो पद अगर नहीं मांगे हैं आपने, उसके अलावा तो उसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। जैसे कि इसमें सबसे फेमस जैसे पद हम कहें जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं सभी मंत्रालयों में, और ग्रुप बी का पद होता है, ये ऑफिसर लेवल का पद होता है। उसके बाद आपके मिलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, तो ये सारे के सारे इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर हुआ, तो ये पद आपको मिलते हैं। आपको अकाउंटेंट मिलता है कैग में है, और तो ऑडिटर मिलता है कैग में, तो ये सारे पद होते हैं एसएससी में। ये बहुत ही अच्छे पद हैं, 5 दिन की इनकी नौकरी होती है, सैटरडे संडे रेस्ट होता है। तो इनके विषय में, इन सारे पदों के विषय में क्या करते हैं, इसके बाद में हम बाद में वीडियो बनाएंगे, पर इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आप पास कर लेते हो आपको ये वाले पद मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पद होते हैं केंद्र सरकार के अधीन। एग्जाम टाइमिंग इसमें जो होती है, पहले पेपर की जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का होता है, और जो टायर 2 जैसे हम बोलते हैं उसका पहला पेपर आपको आएगा 2 घंटे 15 मिनट का, तो उसमें 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और जो उसका सेकंड सेशन होता है उसके लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा डाटा एंट्री के लिए दिया जाएगा। तो आपको जो पहला पेपर है उसकी टाइमिंग है 2 घंटे, और जो टायर 2 का पेपर है उसका टाइमिंग है 2 घंटे 15 मिनट। उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और डाटा एंट्री के लिए आपको अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये जो एग्जाम आपने पास कर लिया है तो ये तो पद मिल लेते हैं, पर आपको तैयारी क्या करना है, इसमें पढ़ना क्या है मेन चीज। तो इसमें पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा आपकी मैथ और इंग्लिश पर, मैथ और इंग्लिश और जनरल स्टडी। तो पहले तो जो पैटर्न था उसमें जनरल स्टडी पहले पेपर में आती थी, अब इसमें सेकंड पेपर में भी आने लगी है, 25 नंबर के क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो आपको जनरल स्टडी भी उसी तरीके से आपको तैयारी करना होगा। तो आपको अगर तैयारी करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें इंग्लिश के, और किस लेवल के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। और तैयारी के लिए एक बुक हम आपको जरूर बता देते हैं, मैथ के लिए आरएस अग्रवाल से तैयारी करें, और इंग्लिश की आप किसी अपनी खुद की तैयारी अच्छी करें, ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर कंप्रिहेंशन लैंग्वेज, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन करें, इसकी तैयारी चालू कर दें। अगर आपको ये नौकरी चाहिए है, आप बेरोजगार बैठे हैं घर पे, तो आप जरूर तैयारी चालू करें, कोचिंग ज्वाइन करें, और अपने जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उनको भी देखें कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है देश के सबसे अच्छे, वो दिल्ली में आपको मिलेंगे, बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, और वैसे तो सभी शहरों में है। अगर आप वास्तव में सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी स्वयं से ही करें, मैं तो कहूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के करें। पर अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में ही इसकी कोचिंग, बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, वहां पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके करियर में सहायक होगी, आप तैयारी करें। और अगले वीडियो में हम फिर आपके साथ आएंगे और जो पद हैं उनकी डिटेल जानकारी लेके, तब तक के लिए नमस्कार।